Next, Junior, please. I really like your confidence. मुझे लगता है बहुत कमाल होने वाला है. Use your logic. Come on. I'll try. क्या है ये? ये तो Mr. Bill. क्या हुआ? Mr. Salgaonkar. I'm sorry, sir. But क्या हुआ? Is everything okay? Yeah, yeah. I'm fine. Oh. Are you okay? I'm fine. नहीं वो वो जो 14 अप्रैल को जैसा कि कह रहे थे सर, योर ऑनर, कि जो फोन किया था किसी ने तो जब इनके भाई जॉर्ज रेगो की हत्या हुई तब इनका फोन बजा था, लेकिन ये वहां नहीं थे क्योंकि वहां बाबुल और पास्कल थे. ये वहां नहीं थे, ये कहीं और थे सर. बोर्डरूम में. अभी ये बोर्डरूम मीटिंग में थे. हेलो पता नहीं किसका फोन था, कह रहा था कि लो तुम्हारे भाई की चीख सुनो. मुझे लगता है मेरे भाई की जान खतरे में. गाइस मुझे जाना होगा. बेसिकली अगर इन्हें अपने मरते हुए भाई की चीख सुननी होती तो ये कहीं अकेले में शांत जगह पर एकांत में ऐसा करते, ना कि बोर्ड मीटिंग के बीच इतने सारे लोगों के उपस्थिति में ये ऐसा करते, हत्यारे से बात करते. लॉजिकली स्पीकिंग राइट. रॉन्ग मिस्टर पाठक, रॉन्ग. व्हाई? अगर ये अकेले होते तो शकी निपट जाता, और इसीलिए इन्होंने अपने भाई के मर्डर के एग्जैक्ट टाइम एक बोर्ड मीटिंग रखी ताकि ये दिखावा कर सके, वो भी 10 लोगों के सामने. मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो फोन किसका है. तो ये बताइएगा मिस्टर रेगो कि उस शूटर के पास आपका नंबर कहां से आया? नहीं यार, एक मिनट मिस्टर सलगांवकर, सी आई रिमेंबर. आपके पास जज साहब का नंबर है? है, ऑफ कोर्स. मोबाइल में फीड किया होगा. तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर आपने मर्डर किया और आप वहां से आप जज साहब को फोन करते हैं तो क्या कहेंगे आप? जज साहब फंस जाएंगे, हत्यारे बन जाएंगे. आई ऑब्जेक्ट. नो बट व्हाई आर यू ऑब्जेक्टिंग? आप मेरे कैरेक्टर पे उंगली कैसे उठा सकते हैं मिस्टर पाठक? ऑब्जेक्शन सस्टेंड. योर ऑनर मैं आपके कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आप फोन करके क्या जज साहब को फंसा सकते हैं या नहीं. मिस्टर केडी पाठक, आपने सुना नहीं? ऑब्जेक्शन सस्टेंड. सस्टेंड मतलब कि केस की इस बात को आगे नहीं बढ़ा सकते. मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ. आप केस से जुड़े रहिए. मैं केस से जुड़ा हुआ हूँ योर ऑनर, मैं सिर्फ पूछ रहा था कि वो क्या गया है आपको. मैं ठीक हूँ. सिर्फ ना कहने की कोशिश कर रहा था कि इंटरनेट का जमाना है, इतने सारे बीपीओस हैं तो किसी को किसी का नंबर प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती. अच्छा मिस्टर पाठक, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आज के इस इंटरनेट के जमाने में उस शूटर ने मिस्टर रेगो की राइफल भी चोरी कर ली? चोरी तो बाबा आदम के जमाने से हो रही है, कोई भी कहीं से कोई भी चीज चुरा सकते. सर मेरी राइफल 15 दिन पहले ही चोरी हो गई थी, वो भी मेरे घर से. जी? जिसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की, अंजना पुलिस चौकी में. अच्छा, तो कैन आई सी दैट रिपोर्ट? वो इंस्पेक्टर फोंसेका से पूछिए ना. मैंने पुलिस की सारी फाइल चेक की है और उस किसी फाइल में भी मिस्टर रेगो की लॉस्ट राइफल की कोई रिपोर्ट नहीं है. व्हाट? ये कैसे हो सकता है? देखिए उस रिपोर्ट की एक कॉपी मेरे पास भी थी, और मिस्टर पाठक मैंने तो आपको दी थी, आपने वो फाइल में भी लगाई थी ना. सर सॉरी, वो फाइल खो गई है. व्हाट?
मिस्टर पाठक, फाइल खो गया? हाँ, एक्चुअली सर क्या हुआ, मैं समझाता हूँ आपको क्या हुआ सर। वो हुआ ये कि मुझे ना किसी ने यहाँ पीछे वार किया, सर के पीछे, तो मैं बेहोश हो गया था और साथ में मेरी याददाश्त भी चली गई, सारा सामान भी चला गया सर, बटुआ, वॉलेट, मोबाइल फोन, घड़ी, नहीं ये घड़ी तो अभी लाकर दी वरुण, वरुण ने, वरुण ने, उसने लाकर दी, तो ये सारा सामान मेरा गया, उसमें वो फाइल भी चला गया। मिस्टर पाठक। यस सर। आप अदब से खड़े रहिए, ये कोर्ट है, आपका कोई घर नहीं। सॉरी सर, नहीं मैं ऐसे ही कह रहा था। लगता है फाइल के साथ आप अपना कोड ऑफ कंडक्ट भी खो चुके हैं। कोड ऑफ कंडक्ट? नहीं नहीं सर, आई रियली रिस्पेक्ट यू, ऑनेस्टली। मिस्टर पाठक जी, आई ऑल्सो ऑनेस्टली थिंक कि आपको इस केस के बारे में कुछ नहीं पता है। एक्चुअली आप ठीक कह रहे हैं। पर आपको भी इस केस के बारे में कुछ नहीं पता जी? मतलब यहाँ कोर्टरूम में जितने लोग हैं किसी को इस केस के बारे में कुछ नहीं पता। ये मैं समझाऊं, ये मेरे पास एक पर्चा है, देखिए ये निशान, इसका मतलब समझते हैं आप? नहीं तो जसब, क्या आप पहचानते हैं इस निशान को? नो, इसीलिए कह रहा था मैं जज साहब की इस कोर्टरूम में कोई इस केस के बारे में अभी जानता नहीं। आपके पास वो जो शूटर गोली जिसने चलाई पास्कल, उसकी फोटो होगी, मेरे फाइल होगी, आपके पास तो होगी, अब लाइए जरा प्लीज। थैंक यू मिस्टर सालगांव। मैं वही कहना, अब देखिए ये यही निशान इस डेड बॉडी पर भी, देखिए मिला लीजिए। मिस्टर पाठक, ये निशान क्या है? योर ऑनर, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश मैं जानता हूँ इसका मतलब क्या है, लेकिन मैं बता नहीं सकता अदालत को। क्यों? वो क्या है ना कि अगर मैंने बता दिया तो जो हत्यारा है, जो जानता है इस निशान के बारे में, वो समझ जाएगा कि मैं उसी की बात कर रहा हूँ, और वो अलर्ट हो जाएगा, चौकन्ना हो जाएगा। चौकन्ना हो गया तो वो पुलिस के ड्रैगनेट से, पुलिस की गिरफ्त से वो भाग निकलेगा, और अगर वो भाग गया तो वो छूट जाएगा, और अगर वो छूट गया तो वो जो किया है उसने, जो करता है अभी तक हत्या लोगों की, वो आगे भी करेगा, तो हो सकता है कि आगे चलकर निर्दोष बच्चों की हत्या भी हो जाए। निर्दोष बच्चों की हत्या मैं अपने सर तो नहीं लेना चाहता, आप लेना चाहेंगे जी? मतलब वो ब्लेम, निर्दोष बच्चों की हत्या आप अपने सर लेना चाहेंगे? योर ऑनर, आप चाहें तो मैं आके आपको कान में मतलब बता सकता हूँ, अगर आप बच्चों की हत्या अपने सर लेना चाहें तो। इस निशान के बारे में आप कब बताना चाहेंगे मिस्टर पाठक? मुझे लगता है कि ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए, हत्यारे को, किलर को ठीक से दबोचने के लिए थोड़ा समय अगर आप टाइम दे दें तो। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर सलगांवकर? चुप है योर ऑनर, मिस्टर सलगांवकर चुप है, ही अग्रीज, सहमत है मेरी बात से। अब आपको अगर सचमुच ये लगता है कि यह सीक्रेट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से यह केस मुश्किल में आ जाएगा, तो मैं आपको अगली सुनवाई तक का टाइम देता हूं। थैंक यू योर ऑनर। व्हाट से मिस्टर सलगांवकर? आई एम अ गुड लॉयर, केडी पाठक। सर, ये मिस्टर बिली मौर्या, आपकी सेक्रेटरी। बिली मौर्या? सर याद कीजिए, और ये आपके दोस्त, मेरे चाचा जलमिल जवेरी, याद कीजिए। सर ये इंस्पेक्टर दवे तो याद आया होगा।
वरुण, मुझे तो लगता है ये डेड एंड आ गया। केडी पाठक अब वापस नहीं आने वाला। नहीं इंस्पेक्टर राठौर, केडी से हमेशा कहते अगर कहानी के अंत तक पहुंचना मुश्किल है तो कहानी की शुरुआत से शुरुआत करो। और अब हम केडी सके कहे पे ही चले कहानी की शुरुआत, जहां जॉर्ज रेगो का मर्डर हुआ उसी फार्म हाउस पर। साहब ने मुझे यहीं से फोन किया था। पाठक साहब, आपकी वो गाड़ी जिसमें आप यहाँ आए थे और उस पर सीट पे आपने हमारे लिए उस क्लू लिखा था, देखो उसे, शायद कुछ याद आ जाए, कुछ तो सोचकर लिखा ही होगा। हाँ, कुछ कुछ याद आया मुझे। दो लोग थे जो मुझे चपोरा ले जाने की बात कर रहे हैं। पाठक साहब, उनकी शक्ल याद है आपको? एक तो महिता भास्कर जो मुझे मारने वाला, और दूसरा वो था जो बाइक पर उसे मेरे पास लेकर आए। बहुत होशियार बनता है ना इस लड़ाई। मैं वकील हूँ तो लड़ूंगा। चल चल हमारे साथ। कहाँ? चपोरा। चपोरा? इस चपोरा में ले जाकर क्या करेगा इसका? वहीं चल के बताता हूँ। चल। अरे दूसरी बाजू ठीक। That's great, sir. आपकी याददाश्त वापस आ रही है? अभी भी बहुत कुछ याद आना बाकी है। चपोरा का तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो शूटआउट यही हुआ था बंगले के बाहर। समझ में नहीं आ रहा, रेगो की गाड़ी तो बुलेट प्रूफ थी, यानी कि जब तक वो गाड़ी में था गोलियां उसका कोई नुकसान नहीं कर पाती। पर गेट खोलने के लिए ड्राइवर गाड़ी से उतरा था और इसी का फायदा उठाकर शूटर ने दरवाजे के थ्रू मिस्टर रेगो पर गोली चला दी। ड्राइवर क्यों गाड़ी से उतरा? गेट पर तो सिक्योरिटी वाला खड़ा रहता है, हॉर्न बजाते ही दरवाजा खोल देता। नहीं सर, पर उस दिन गेट पर कोई नहीं था। उसी दिन मैं गेट पे नहीं था, बाथरूम गया था। उसी दौरान सेठ जी की गाड़ी आई क्योंकि गेट पर कोई नहीं था और ये हादसा हुआ। इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हूँ। कहाँ है तुम्हारा बात? पीछे है साहब, पास में ही है। गाड़ी की हॉर्न नहीं सुनाई दी तुम्हें? जी सर, हम बाहर आने वाले थे। गाड़ी की हॉर्न सुनकर बाहर आ रहे थे लेकिन आए नहीं। साथ में गोलियों की आवाज़ भी सुनी होगी फिर भी बाहर नहीं आए। हम डर गए थे साहब। सीसीटीवी कैमरा फुटेज के अनुसार तो तुम जो शूटर थे उनके जाने के 5 मिनट बाद आए, इतना समय क्यों लगा? सब उसी दिन मैं बाथरूम में नहीं था, मैं बंगलों में था और बंगलों में बाहर की आवाज़ अंदर नहीं जाती। बंगले में थे, बाथरूम में नहीं थे, बंगले में क्या कर रहे थे? उसी दिन क्रिस्टो साहब ने सारे नौकरों को अंदर बुलाया और मुझे भी साहब। क्यों? क्रिस्टो साहब ने दावत दिया, पसीना क्यों आ रहे थे? पूछ लो। बात क्या है कि हमको ऐसा लगता है कि उस दिन आपने बाकी नौकरों को अंदर जानबूझकर बुलाया ताकि गेट पर कोई ना रहे, गाड़ी की हॉर्न कोई सुन ना सके और जॉर्ज साहब के ड्राइवर को उतरकर दरवाज़ा खोलना पड़े और इसी का बहाना उठाकर शूटर जॉर्ज साहब को गोली मार दे। ऐसा किया था आपने? नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं आप? मैं भला अपने दोस्त को क्यों मारना चाहूँगा? नेवर। हाँ, मैंने ही सारे नौकरों से कहा था कि पुलिस के बात न बताएं कि मैंने उन्हें घर के अंदर बुलाया था, क्योंकि अगर वो ऐसा कह देते तो आपको और पुलिस को पूरा शक हो जाता कि मैंने जानबूझकर सबको गेट से दूर किया है ताकि मिस्टर रेगो पर हमला हो तो कोई देखे नहीं। लेकिन क्या कारण था कि आपने सबको घर के अंदर बुलाया था? एक्चुअली मेरा सेलफोन खो गया था, बहुत महंगा फ़ोन है। मुझे ऐसा लगा कि इन्हीं सब नौकरों में से किसी एक ने चोरी की होगी तो सबका जायजा लेने के लिए उन्हें घर के अंदर बुला लिया। अच्छा अच्छा, किसने चुराया था आपका फ़ोन? जी जी हाँ, सोफे के साइड में नीचे गिरा हुआ था, मैंने ही गुमा दिया था।
वही फोन बज रहा है आपका, बड़ा तेज रिंगर है। तो आपने जब फोन खो गया था आपका, तब आपने डायल करके फोन बजाया नहीं? पता चल जाता आपको कि फोन कहाँ है? जी, पर उस समय बात मेरे दिमाग में आई नहीं। हाँ, उस टाइम पे आपका दिमाग का रिंगर काम नहीं कर रहा। इस चिन्नू को पहचानते हैं आप? नहीं, नहीं जानता। मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मुझे तैयार होना है। आपकी इजाजत हो तो। नहीं, इजाजत तो हमें आपसे लेनी चाहिए, आप ही का घर है। मिलेंगे फिर अदालत में। चलिए। पाठक साहब, कहीं ऐसा तो नहीं सब कुछ याद आ गया हो आपको? याद तो नहीं, कोई और आ गया। ये लोग यहाँ क्या करते? मिस्टर पाठक, आप यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज। हाँ, वो यूं ही चले आए थे इस निशान को ढूंढते ढूंढते। से पहचानती हैं? नो मिस्टर पाठक। बाय द वे मिस्टर पाठक, ये मेरे फ्रेंड है मिस्टर निखिल। हाय। हेलो। माय स्क्रिप्ट। पहले कहीं आपसे मिला? सच में मुझे नहीं लगता। नाइस मीटिंग। आप इससे मिले? मिला तो नहीं, लेकिन कहते ही नर्वस हो गया। देखा तुमने? हाँ सर। टैटू पार्लर छान मारे, किसी ने भी वो टैटू भास्कर के हाथ पर नहीं बनाया। फोंसिका तो गिव अप करके चला गया। अच्छा, नेहा, तू वाह, नाक उल्टी पकड़ रहा है। पहले ये पता लगा कि भास्कर के दोस्त कौन कौन है, उनसे पूछताछ कर, उनसे पता लगेगा कि ये टैटू पार्लर का है। मैं नेट पे ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। Yes, man. कौन सा टैटू बनवाना है? अरे नहीं नहीं, हमें कोई टैटू नहीं बनाना है। अपनी महिला मित्र का नाम लिखवा लो। काम कर लें। ब्रदर, तुम पास्कल को जानता है? पास्कल? वो मेरे ब्रदर एंटनी का दोस्त है। और इस टैटू के बारे में कुछ पता है? ये निशानी एक साल पहले पास्कल लेके आया। निशान कैसा? ये मेरी खानदानी निशानी है। जो खानदानी निशानी? अरे हमारे एंसेस्टर्स का बिजनेस। बहुत लंबी कहानी है, तो इसमें कॉन्सेंट्रेट कर। कह रहा था कि कुछ खानदानी निशानी है। खानदानी निशानी, फैमिली बिजनेस। हाँ, बस अब उनको इतना ही पता है। आई डोंट नो। थैंक यू। चलो। पास्कल परेरा? कौन था ये पास्कल परेरा? फैमिली बिजनेस क्या था उसका? बहुत साल पहले गोवा में पास्कल परेरा के पुश्तैनी नारियल के पेड़ थे, जिन्हें हम आम भाषा में नारियल वाड़ी कहते हैं। यही उसका फैमिली बिजनेस था।
लेकिन सुना है गोवा के बीचों बीच बहुत बड़ी जमीन, लेकिन ये जमीन है कहाँ? पता नहीं, क्योंकि पास्कल के अलावा उसकी फैमिली में दूसरा कोई मिला ही नहीं। पता चला है कि उसका एक भाई है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई मिलेगा। कमाल का शहर, इनकी याददाश्त खो गई, पास्कल का भाई खो गया। अगर गोवा के बीचों बीच इतनी बड़ी जमीन है तो वो कहाँ है ये सिर्फ एक बिल्डर ही बता सकता है। पास्कल परेरा, नारियलवाड़ी, कहीं परेरावाड़ी की बात तो नहीं कर रहा है? परेरावाड़ी? हाँ, पंजिम के बीचों बीच जो 50 एकड़ वाली जमीन है जो अब हमारी है। परेरावाड़ी तो वही जमीन है ना जिसके डिस्प्यूट को लेकर मेरे और जॉर्ज के बीच में लड़ाई चल रही है। इस जमीन की आप बात कर रहे हैं तो पास्कल के पुरखों की थी? हाँ, लेकिन 40 साल पहले मेरे फादर ने मिस्टर परेरा से वो जमीन खरीदी थी, अब वो हमारी है। अच्छा, मुझे लगता है सारी फसाद उस जमीन के कारण ही है। कहाँ है एग्जैक्टली ये जमीन? पर साहिबा, ठीक है साहिबा, आप बोलते हो तो मैं केडी पाठक को उड़ा डालूंगा, पर साहिबा केस का कक्ष क्या होएगा? पेड़ पर तो वही निशान है। हाँ सर, ये तो वही निशान है। इसका मतलब ये है कि हम सही जगह पर हैं। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, निशान आज ही बनाया गया है। इसका अर्थ ये है कि कोई जानता था हम यहाँ आएंगे और वो चाहता है कि हम उस पेड़ तक जाके उसे छुएं। शाबाश पाठक, इस पेड़ के पीछे आ, एक ट्रिगर दबेगा, बम फटेगा, KD is dead. साहिबा खुश होगा। ये तो दबता ही नहीं। मैं कहाँ हूँ? याददाश्त खोने का कॉपीराइट तो मेरे पास है, तेरे पास नहीं। चल बता, किसने भेजा तुझे? जल्दी बोल। बताता हूँ, वो मेरे को साहिबा ने भेजा। साहिबा? कौन साहिब? वहां से चली गई। देखिए, मरने से पहले बता दीजिए किसने भेजा आपको यहाँ। आप जानते हैं ना एल्फ्रेड रेगो को किसने मारा? किसने मारा? वो सिल्वर रंग की गाड़ी। सिल्वर गाड़ी? सब आ गया। मरने से पहले इसने कुछ बताया? हाँ, कह रहा था कि कोई सिल्वर रंग की गाड़ी। सर, सिल्वर रंग की गाड़ी? सर, जिस गाड़ी ने आप पर हमला किया था वो भी सिल्वर रंग की थी। ये क्या नया क्लू है? पहले ये सिग्मा और अब ये सिल्वर रंग की गाड़ी। ये मुसीबत है यार, एक सवाल का जवाब ढूंढने जाओ दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है। Your Honor, Alfred Rego जो है। इससे पहले कि
आप मिस्टर रेगो से कुछ पूछे, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स पूछे ना। मिस्टर पाठक, क्या आप ये बताएंगे कि इस केस से पहले मुंबई में आपने कौन सा केस जीता था? हाँ, केस कौन सा? मिस्टर सावरकर, समझना मेरे लिए बहुत कठिन था, बट गुड, जीत गया था मैं। मैं कंटिन्यू? एक मिनट, एक मिनट, ये तो हम समझ गए कि वो बहुत ही कठिन। राइट राइट यू राइट, लेकिन क्या आप ये बताएंगे कि वो कठिन केस कौन सा था? वही, मतलब इतने सारे केसेस मैं लड़ता हूं, याद नहीं रहता ठीक से। आई कंटिन्यू, लेट मी कंटिन्यू फर्स्ट। तो ठीक है, इस केस के बारे में आपसे कुछ पूछते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, है ना। क्या आप ये बताएंगे कि इस केस के लिए आप जब गोवा में आए तब पहली रात आपने कौन से होटल में खाना खाया था? सी फूड। ये होटल का नाम था? नाम नाम नहीं है, रेस्टोरेंट का ये नाम नहीं था। ओके, गोवा वेरी फेमस फॉर सी फूड, यू सी। मिस्टर साखड़कर, साड़गांवकर, साड़गांवकर, सॉरी, ये जो वो सर्कल जो आता है, गोल गोल सर्कल, वहाँ से गोल घूमने के बाद में राइट लेते ही जो लेफ्ट पे एक रेस्टोरेंट, सी फूड, वेरी नाइस गोवन प्रॉन करी विद राइस। ओके, आई विल कंटिन्यू। एक एक मिनट, एक मिनट, क्या आप मुझे ये बताएंगे? बताऊं कि जिस गाड़ी में आप बैठते हैं उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? अपनी गाड़ी? जी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऑब्जेक्शन। निजी निजी प्रश्न है योर ऑनर, इसका केस के साथ कोई लेना देना नहीं। मिस्टर सलगांवकर, आप साबित क्या करना चाहते हैं? यही योर ऑनर कि मिस्टर पाठक को इस केस का कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि इनकी याददाश्त अभी तक लौटी नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? किस आधार पर कह रहे हैं? किस आधार पर कह रहे हैं? बता दो। इस खुफिया लेटर के आधार पर योर ऑनर, इसमें लिखा है कि मिस्टर पाठक की याददाश्त लौटी नहीं। ये लेटर मैंने पढ़ा और सोचा कि चेक कर लेते हैं, एंड योर ऑनर, आई वॉज राइट। मिस्टर पाठक, क्या ये सही कह रहे हैं? योर ऑनर, मुझे कुछ याद हो न हो, इतना अवश्य याद है कि अदालत में झूठ नहीं बोला जाता। जी, सलगांवकर सही कह रहे हैं, मुझे अपने अतीत के बारे में कुछ याद नहीं। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। योर ऑनर, सुन लिया आपने, इस हालत में केस क्या लड़ेंगे? इन्होंने खुद कहा है कि इनकी याददाश्त चली गई है, अभी तक लौटी नहीं है। इन्हें प्लीज कहे केस में छोड़ दे, जाके अपना इलाज कराएं। एक मिनट, मेरी बात अभी तक समाप्त नहीं। जज साहब, मनुष्य अपने अतीत में नहीं, अपने वर्तमान में जीता है और अपना भविष्य बनाने का प्रयास करता है। मेरा वर्तमान यही कह रहा है कि मैं मिस्टर अल्फ्रेड रेगो का वकील हूँ, और इस केस के वर्तमान में जो जानकारी मुझे मिली है, इस केस को लड़ने के लिए मेरे लिए काफी। क्या मिस्टर पाठक, आप केस लड़ेंगे बिना वकालत जाने? आप केस लड़ेंगे? वकालत जानना सच और झूठ को जानने से बड़ा तो है नहीं मिस्टर सलगांवकर। थैंक यू, यू आर वेलकम। मे आई कंटिन्यू? जस्ट अ मिनट। मैं मिस्टर रेगो से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ऑल द बेस्ट। ये जो मेरे भूले हुए अतीत के कारण मैं इस केस के वर्तमान में जोखिम उठा रहा हूं या नहीं, ये तो इस केस का भविष्य ही बताएगा। जज साहब, ये
ये जो जिस निशान की बात मैं कर रहा था लास्ट टाइम, ये पास्कल के पुरखों की पुश्तैनी जमीन का निशान है। परेराबाड़ी एक 50 एकड़ की जमीन है, बिल्कुल पेंजिम के अंदर। मिस्टर पाठक जी, ये सब जानते हैं क्योंकि इसी जमीन के लिए तो मिस्टर अल्फ्रेड ने अपने भाई को मारा। हाँ, यू राइट, लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि जमीन केवल मिस्टर अल्फ्रेड रेगो और जॉर्ज रेगो को दिलचस्पी नहीं थी, एक तीसरा व्यक्ति भी था। कौन? वो शूटर पास्कल? अरे नहीं मिस्टर सागरकर, पिड़गांवकर। पिड़गांवकर? सागांव। सागांव, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। वो तीसरा व्यक्ति जो है वो एस्टेट एजेंट निखिल सक्सेना, मिस्टर निखिल सक्सेना, यू नो परेरावाड़ी जी। तो उसके ओनर्स जो थे अल्फ्रेड रेगो और इनके स्वर्गवासी भैया जॉर्ज रेगो, ये दोनों मालिक थे। और आप खरीदना चाहते थे तो आपने इन्हें अप्रोच किया, आप गए थे इनके पास। जी ये सच है, लेकिन इसमें बुरा क्या है? मैंने कब कहा कि कुछ बुरा है? मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मेरा काम ही है, और मैं मिस्टर रेगो को इसकी बहुत ही अच्छी डील दिलवा रहा था। लेकिन उस लैंड को लेकर मेरे और जॉर्ज के बीच झगड़ा चल रहा था। करेक्ट, इसलिए उस सौदे के लिए हमने निखिल को ना कहा था। आपने ना कर दिया, इसीलिए ये वही डील लेकर आपकी पत्नी के पास पहुंचा। जेनी के पास? यस अल्फ्रेड, मैंने ही निखिल से कहा था कि मैं उसकी डील के लिए तैयार हूँ। और जेनी, जॉर्ज की डेथ के बाद सारा लैंड तुम्हें मिलता अल्फ्रेड। और आफ्टर हिम यू, मतलब इनके बाद ये लैंड आपके मिला। जी नो मिस्टर पाठक, मैं तो बस एक अच्छी डील अपने हाथों से गवाना नहीं चाहती थी, और मुझे इस डील के लिए कन्विंस किया था मिस्टर क्रेस्टो ने। अच्छा मिस्टर क्रेस्टो, ये ना। यस, अब इसमें उनका क्या फायदा है आप उन्हीं से पूछ लीजिए। उन्होंने मुझसे कहा था कि उस डील में उनको उनका कट मिल जाना चाहिए, दैट्स ऑल। तो मिस्टर क्रेस्टो, ये बताइए कि जेनी के साथ ये जो लैंड डील, जमीन का सौदा। जी मैंने जेनी से डील के लिए कट मांगा था, पर इसमें गलत क्या था? वो लैंड कितने सालों से डिस्प्यूट में फंसी हुई थी, कितनी मुश्किल से मैंने जेनी और निखिल को एक क्लाइंट ला कर दिया, जो क्लाइंट उस जमीन को खरीदना चाहता था। कौन खरीदना चाहता था? हाँ, गोवा के बिल्डर जुड़ लोबो, वही मेरे पास आए 250 करोड़ लिए इस लैंड की डील करने के लिए। योर ऑनर, ये तो सामान्य ज्ञान की बात है, कहानी अब मेरी समझ में आने लगी। ये जमीन का सौदा 250 करोड़ रुपए का सौदा, जो कि अटक गया था दो भाइयों के बीच विवाद के कारण। तो जो भी था हत्या के पीछे, उसने सोचा कि एक भाई को मार दो और उसकी हत्या का आरोप दूसरे भाई पर लगाकर उसे दंड दिलवा दो तो जमीन फ्री। और 250 करोड़ का सौदा जो अटक गया था वो फिर से चल पड़ता और लैंड उनकी हो जाती, 250 करोड़ रुपए किसी और के हो जाते हैं। कॉमन सेंस योर ऑनर, लालच के कारण ये मर्डर किया गया। लेकिन मिस्टर पाठक जी, आप ये तो साबित कीजिए कि ये लालच आखिर थी किसकी, हैं? मिसेस जेनी रेगो की, या निखिल सक्सेना की, या फिर क्रेस्टो, या फिर लोबो? और इन चारों में से मिस्टर जॉर्ज रेगो को मारा किसने, बताइए ना। योर ऑनर, मैं उस हत्या का फुटेज आप सबको फिर से दोबारा दिखाना चाहूंगा, स्पेशली मिस्टर पाठक को, ताकि शायद इसे देखने से आपकी भूली हुई याददाश्त को कुछ याद आ जाए। मिस्टर पाठक, ओके लेट्स वॉच इट। अरे जरा पॉज करिए मिस्टर सालस्कर। साढ़ गांव का वो कुछ भी हो, रिमोट तो आपके हाथ में, पॉज करिए। ये जो गाड़ी है साहब, चांदी के रंग की गाड़ी, थोड़ा रिवाइंड करके चलाइए प्लीज प्लीज। ये देखिए रॉनर, जैसे ही गोली चली, हत्या हुई, पीछे से बड़े आराम से वो चांदी के रंग वाली गाड़ी वहां से निकलती नजर आ रही है। तो क्या इसे साबित क्या होता है मिस्टर पाठक?
अरे वो कोई राहगीर था, वहां से गुजर रहा था, दैट्स ऑल। क्या है कि अगर आप गाड़ी में होते और आपके सामने किसी की हत्या हुई होती या शूट आउट हुआ होता तो क्या करते हैं? या तो आप गाड़ी छोड़कर उतरते, उसे बचाने का प्रयास करते, या तो आप डर के मारे एक्सीलेटर पर पाँव रखते और गाड़ी को वहां से भगा लेते। ये दो प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, किंतु प्ले करिए। देखिए किस प्रकार से आराम से गाड़ी वहां से जा रही, कुछ ऐसे जैसे कि गाड़ी चला रहा था, वाहन चालक, वो जानता था कि हत्या होने वाली है और वो देखना चाहता था इस हत्या को होते हुए। अब देखिए पास्कल जो मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, जिसने गोली चलाई थी, वो मुड़कर उसी गाड़ी की ओर देखा है। द कनेक्शन राइट। ये सब तो ठीक है मिस्टर पाठक, लेकिन आप ये साबित कैसे करेंगे? सिंपल, जूम करिए। दैट्स इट, पॉज। गाड़ी का नंबर लिखिए, 594। जिसका सिंपल लैंग्वेज में अर्थ ये होता है जज साहब, ये गाड़ी इस केस से जुड़ी हुई है। अब इस नंबर प्लेट के जरिए अगर हम इस गाड़ी के मालिक को पकड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हत्यारा कौन है। किंतु योर ऑनर, टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और जानकारी प्राप्त करने के लिए और इस केस को और मजबूत करने के लिए मैं थोड़ा समय चाहता हूँ, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको और अदालत को कि मेरी मेमोरी, मेरी याददाश्त वापस आए ना आए, मैं अगली सुनवाई में हत्यारे को जरूर आपके सामने ले आऊंगा। लोबो, ही इज डेड। सबसे पहले कि हम दूर लोगों तक पहुंचते, किसी ने उसे मारा। और जो बुलेट मिली है वो भी उसी गन से चली गई है जिससे फटिया का मर्डर हुआ। यानी कि असल हत्यारा जो लोबो नहीं, कोई और। ना पता लगा कि जूड लोगों ने अपनी गाड़ी किसको दी थी, अवश्य उसका कोई साथी ही होगा। हेलो मिस्टर केडी पाठक, फोन से कहा है, मुझे मिस्टर लोबो के घर से कुछ चौंकाने वाले सबूत मिले हैं जो हमें इस केस की जड़ तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, मैं ये फाइल लेकर चपोरा फोर्ट आ रहा हूँ, वहीं मिलते हैं। मिस्टर पाठक, बी केयरफुल। ठीक है। हेलो केडी। हाय फोनसेका, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जोसेफ, तुम जाओ मैं आता हूँ। केडी, क्या तुम्हारी याददाश्त सच में लौट आई है? इंस्पेक्टर फोनसेका, मटलिया की जब मृत्यु हुई थी तो मरने से पहले उसने सल्यूट किया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आपके इस हवलदार ने किया। चलो। कहाँ? ऊपर फोर्ट में। मैंने वहां उस शख्स को बुलाया है जो शायद जॉर्ज रेगो की हत्या के पीछे है। चलिए। इस बार वो मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। कौन सी गन है आपकी? ग्लॉक? हाँ। तो? नहीं तो ये कि नारियलवाड़ी में जो बंटला की हत्या हुई थी, ग्लॉक पिस्टल की गोली से ही हुई। हाँ तो? नहीं, जब अल्फ्रेड रेगो की राइफल चोरी हुई थी उसकी रिपोर्ट आप ही के थाने में लिखवाई गई थी। हाँ। लेकिन अचानक आपके थाने से उसकी रिपोर्ट गायब हो गई, और वो पास्कल मुझे कुछ बताने वाला था लेकिन बताए उससे पहले आपने उसे गोली मार दी। अगर मैं उसे नहीं मारता ना तो वो तुमको मार डालता। केडी, प्रोसिक्यूटर सलगांवकर को कैसे पता चला कि मेरी याददाश्त लौटी नहीं है? ये तो दो ही लोग जानते थे, वरुण और इंस्पेक्टर राठौड़, और इंस्पेक्टर राठौड़ ने आपके सामने ये बात उगल दी थी, तो आप इस बारे में जानते थे। तुम्हें क्या लगता है कि इन सब चीजों के पीछे मैं हूं? सोच तो ऐसा ही रहा था मैं। मैं तुम्हें यहाँ कातिल से मिलवाने लाया हूँ और तुम मुझी पर शक कर रहे हो। वो इसलिए फोनसेका साहब, क्योंकि मुझे सब कुछ याद आ गया है।
मुझे याद आ गया है कि ये वही जगह है जहां से मुझे मार कर गिराया गया था, और मुझे मार कर गिराने वाले आप थे। गुड ट्राई केडी, गुड ट्राई। तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन इंस्पेक्टर फोंसिका को नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई है। जानते हो क्यों? क्योंकि उस रात जब तुम्हें मारकर किले से फेंका गया था, वहां पर मैं नहीं था, मेरा भाई और मेरे आदमी थे, और वो आज अधूरा काम मैं पूरा करने आया हूं। तुम्हारी याददाश्त की तारीफ करनी होगी कि तुमने अपनी याददाश्त खोकर भी ये केस को क्रैक कर दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जॉर्ज रेगो के कातिल से मिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारी लाइफ केडी, तुम्हारा केस तो खुलने से पहले बंद। चल मूव। बाय बाय केडी। एक मिनट, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। पूछो। ये जो पास्कल का दूसरा भाई था, वो आप ही थे? ब्रिलियंट केडी, ब्रिलियंट। हाँ, पास्कल का भाई तो मैं ही हूँ, और मेरा असली नाम विक्टर परेरा है। ये बताइए कि आपने जॉर्ज रेगो को मारकर अल्फ्रेड रेगो को क्यों फंसाया? इसका जवाब तो तुमने अदालत में दे दिया था केडी, ताकि वो करोड़ों की प्रॉपर्टी मिस्टर लोबो खरीद सके। जानते हो, मिस्टर लोबो के साथ मेरी डील हुई थी कि अगर मैं रेगो ब्रदर्स को रास्ते से हटाता हूँ तो उसको प्लॉट मिल जाएगा और परेरावाड़ी का आधा हिस्सा मेरा, क्योंकि रेगो के बाप ने मेरे बाप को धोखे से वो जमीन कौड़ियों के दाम पर खरीदी थी, और मुझे अपना हक छीनना था किसी भी कीमत पर, समझे? कोई आखिरी ख्वाहिश केडी? यही प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला था। आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? मतलब समझा देता हूँ। देखिए, वहाँ देखिए, मेरा सहायक वरुण, आपने जो जो भी अभी कहा वो उसके कैमरे में दर्ज हो चुका है, और आपके माथे पर एक बंदूक तनी हुई है, वहाँ देखिए, राठौर साहब की। अब देखिए, मुझे याद नहीं इंस्पेक्टर फोंसेका कि मैं वकील हूँ या नहीं, लेकिन मेरा सामान्य ज्ञान ऐसा कहता है कि अगर आप आत्मसमर्पण कर दें, हो सकता है न्यायाधीश महोदय आप पर रहम खाए और आपको मौत की सजा ना सुनाए। अब अंतिम प्रश्न, क्या करना चाहेंगे आप? मुझे मारना चाहेंगे या आत्मसमर्पण करना चाहेंगे? Good decision. ये अदालत इंस्पेक्टर फोंसेका उर्फ विक्टर परेरा को मिस्टर जॉर्ज रेगो, पास्कल परेरा, फ्रांसिस फटलिया और जूड लोबो की हत्या के जुर्म में दोषी मानते हुए फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है, और मिस्टर अल्फ्रेड रेगो को अपने भाई की हत्या के जुर्म के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू योर ऑनर। सो मिस्टर पाठक, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कमाल है, बिना मेमोरी के आपने इतना बड़ा केस जीत लिया। नहीं, याददाश्त मेरी वापस आ गई है। ओह रियली? हाँ, आप कहें तो आईपीसी के सारे सेक्शन सुना। अरे नहीं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस्टर धाकड़कर, मिस्टर सावड़कर, मिस्टर सालस्कर, साल गांवकर, सॉरी भूल गया था। नेक्स्ट जूनियर प्लीज। Really like your confidence. मुझे लगता है बहुत कमाल होने वाला है।